एक इंजरी प्लेयर के करियर में कितना इम्पैक्ट डाल सकती है, ये हमने बहुत बार देखा है और आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे 5 डेंजरस इंजरीज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। 2012 में साउथ अफ्रीका सोमरसेट के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच खेल रही थी, तो जब मार्क बूशर कीपिंग कर रहे थे, एक बॉल आई जो सीधा स्टंप्स पे लग गई, पर जो बेल थी वो लग गई बूशर की आंख में, जिसके बाद मजबूरी में बूशर ने 2012 में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। 27 नवंबर 2014 ये दिन क्रिकेट जगत का बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस डेट पे ह्यूग्स की डेथ एनिवर्सरी होती है। अब इस डेट को हुआ ये था कि शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट का मैच खेला जा रहा था, जहां स्ट्राइक पे थे ह्यूग और बॉलिंग पे थे शॉन एबर्ट। उन्होंने एक बॉल डाली जो सीधा लग गई ह्यूग्स की नेक की तरफ, इसलिए फटाफट फिलिप को हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन उनकी कुछ दिन बाद डेथ हो गई, पर वो हम सबके लिए आज भी 63 नॉट आउट ही रहेंगे। अनिल कुंबले अपने टाइम के एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, जिन्होंने बहुतों को अपनी स्पिन के जाल में फंसाया है, पर जब इंडियन टीम उतरी कैरेबियन टीम के सामने, तो कुंबले को एक फास्ट बॉलर की बॉल सीधा जॉ पे लग, जिसके बाद 20 मिनट तक उनका खून निकलता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने लगातार बैटिंग की और उसके बाद पट्टी बांध के बॉलिंग भी करने आए, इसलिए इस मोमेंट के बाद सबने उनकी बहुत ही सराहना की थी। 2012 का ही एक और इवेंट है, जब स्ट्राइक पे थे राइली रूसो और बॉलिंग करवा रहे थे लिंगा यानी लसित मलिंगा, उन्होंने एक बाउंसर डाला जो सीधा रूसो की आंख में लगी और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली राइली को वहां से जाना पड़ा। पर आपको क्या लगता है कि बैट्समैन की सेफ्टी के लिए और क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।